दोस्तों, यदि आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो, करने वाले हो या करके छोड़ चुके हो तो ये पीडीएफ ईबुक आपके बहुत काम आ सकती है। यदि आप इस पीडीएफ ईबुक को एक बार पढ़ लेते हो तो आपको देसी मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ईबुक में मुर्गी पालन में लगने वाली लागत, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, देसी मुर्गियों की प्रजातियां, असील कड़कनाथ, एफएफसी सोनाली, आजाद की जानकारी, एक दिन के चूजे को बड़ा होने तक कैसे पाले, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों की बीमारी, कारण, इलाज और उनकी दवाएं, देसी मुर्गियों के फीड और उनके मार्केटिंग के तरीके आदि बातों को शामिल किया है। देसी मुर्गी पालन हिंदी पीडीएफ ईबुक की कीमत सिर्फ 51 रुपीज है। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई और क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करके पेमेंट स्लिप 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो कि लोन लेके मुर्गी पालन करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि विचार रखते हैं कि हम लोन लेके मुर्गी पालन करें। तो लोन लेके हमें मुर्गी पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर हमें कब लोन लेकर के मुर्गी पालन करना चाहिए, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑन क्लिक करिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि देसी मुर्गी पालन या फिर ब्रॉयलर मुर्गी पालन आपको लोन लेके करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम मुर्गी पालन के बारे में सुनते हैं और ज़्यादातर हम वीडियो देखते हैं, ठीक है, या फिर किसी से भी सुनते हैं, तो वो हमें ज़्यादातर प्रॉफिट बताता है। क्या बताता है कि प्रॉफिट, आपको इतना लाभ होगा, इतना फ़ायदा होगा, ठीक है। वीडियो में भी आपको यही चीज़, आप ज़्यादातर हम अगर वीडियो आप देखो, ठीक है, बहुत सारे वीडियो देखो, अगर इसमें ये बताया गया है, आपको थंबनेल में लिख दिया गया या जानकारी दी गई, 500 मुर्गी पाल करके 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 1000 मुर्गी पाल के 1 लाख रुपया कमा रहे, इतने रुपये से इतना फ़ायदा, इतनी मुर्गियों से इतना फ़ायदा, ठीक, इस तरह के वीडियो आपको बहुत से मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, उन पर व्यूज़ देखोगे आप, ठीक है, देखोगे बहुत व्यूज़ होते हैं, लाखों व्यूज़ होते हैं। और इसके अलावा जिसमें हम ये बताते हैं कि मुर्गी वाले फ़ायदे के साथ में आपको ये नुकसान है, उस वीडियो पर व्यूज़ आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बात है कि हम वहाँ पर फ़ायदा ही देखते हैं, लॉस देखते ही नहीं हैं। और जब फ़ायदा देखते हैं तो हमारे मन में आता है यार पैसा नहीं है, लेकिन ऐसे काम करते हैं कि चलो लोन ले लेते हैं, लोन से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। पहले तो कंप्लीट जानकारी आप कर लीजिए, हम ये नहीं कहते कि लोन लेकर नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन सच बात यही है कि आप जब भी मुर्गी पालन शुरू करो तो अपने पैसों से शुरू करो, लोन लेके मत करो। लोन लेके करना है तो आप अच्छी तरह से जानकारी कर लो पूरी तरह से, तब आप लोन ले को करो, ठीक है। अभी हम तुमको एग्जांपल भी दे रहे हैं, ये जो आप पीछे मेरा फार्म देख रहे हो, ये लोन की वजह से ही आज बंद पड़ा हुआ है और इसका पैसा भी आज फंसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी भी हम जानकारी आपको कंप्लीट देंगे कि कहाँ से कैसे इसका लोन लिया गया, कैसे फार्म बना, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था फार्म के बारे में, तो क्यों बंद हुआ ये सब हम आगे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन जो टॉपिक है आज का हमारा, तो वो यही है कि हमें लोन लेकर के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि आपको चाहे ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर रहे हो या फिर देसी मुर्गी पालन कर रहे हो, पहले तो कंप्लीट जानकारी आपको, परफेक्ट जानकारी हो, आपका लॉस बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप समझ लो कि हम अपने बर्ड को बढ़िया अच्छी तरह से तैयार करके सेल कर रहे हैं, अपने फॉर्म का मैनेजमेंट सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तो सभी कुछ आपकी जानकारी है और आपको 101% विश्वास है कि आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। यदि आपको 99% विश्वास है कि हो सकता है हमारा लॉस हो जाए, 1% भी डाउट है, तो आप लोन लेकर के तो बिल्कुल ही मत करो। तो मान लीजिए कि हम लोन लेकर के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, बट हमारे पास जानकारी नहीं है, चाहे वो देसी मुर्गी पालन आप कर रहे हो या फिर आप ब्रॉयलर की मुर्गी पालन कर रहे हो, ठीक है। ब्रॉयलर करोगे और आपको अगर कंप्लीट जानकारी, शुरुआत कोई भी करता है, आप किसी भी फार्मर से चले जाइए, शुरुआत में उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है, चाहे वो देसी मुर्गी पालन हो चाहे ब्रॉयलर मुर्गी पालन हो। लेकिन जो लगातार उस फार्मिंग में लगा रहता है, ठीक है, तो वो उस जाकर के उसमें सफल होता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपने देसी मुर्गी पालन शुरू किया या ब्रॉयलर मुर्गी पालन शुरू किया और लेयर फार्मिंग अगर आप कर रहे हो, तो आपका ये मान चलिए कि लॉस तो नहीं होगा, बट वहाँ पर
50 लाख 1 करोड़ मायने नहीं रखता, ठीक है। तो उसमें इतना बजट लग जाता है, वो बहुत लोगों लंबे लोगों की बात है, और जो बहुत ज़्यादा पैसे वालों की बात है वो इस वीडियो को देखेंगे नहीं। लेकिन बट यहाँ पर जो छोटे छोटे लोग हैं, ठीक है, जो 100 200 या 500 बर्ड 1000 बर्ड तक ही डालते हैं, वही हमारे यूट्यूब के वीडियो देखते हैं। बाकी बहुत बड़ा फार्मर वो कभी भी शायद उम्मीद नहीं है कि वो यूट्यूब के वीडियो देखता हो, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर छोटे फार्मर ही जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम लोन ले करके बिजनेस करें या मुर्गी पालन करें। बट आप सोचिए, अगर आपने लोन ले लिया, ठीक है, 10,000 20,000 50,000 1,00,000 रुपया लोन ले लिया और बिजनेस शुरू किया, आपको नॉलेज शुरुआत में नहीं होगी तो आपका निश्चित है बर्ड मरेगा ज़रूर, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी तो आपका उसमें लॉस होना संभव है। लॉस नहीं होगा तो उतना बेनिफिट भी नहीं होगा, ठीक है। एक तरह देसी मुर्गी पालन में तो आपका जो है वो लॉस की संभावना ये मान चलिए बहुत कम होती है, 1% होगी। बट ब्रॉयलर मुर्गी पालन में 99% आपके लॉस की संभावना शुरुआत में हो सकती है। जितना भी फार्मर होगा ब्रॉयलर का, वो लगभग शुरुआत में उसने नुकसान जरूर उठाया है। देसी मुर्गी पालन में इसमें क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इसमें फ़ायदा उतना नहीं हो पाता है। और अगर सही समय पर बर्ड सेल नहीं हो रहा है या फिर बर्ड कुछ बहुत मर गया और उसको सही से फीड नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर आपका इसमें भी आपका लॉस होने के चांस हो जाते हैं। जब सेल आपका बर्ड नहीं होगा, आप चाहते हो कि हम बर्ड को जल्दी से बेच दें, बट वो बिक नहीं रहा है, लेकिन फीड तो हमें खिलाना पड़ रहा है ना, तो जब हम ज़बरदस्ती उस बर्ड को बेचना चाहते हैं तो या तो फिर हम लॉस में बेचेंगे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, या फिर हमें कोई भी बेनिफिट ना के बराबर मिलेगा तब हम उसको सेल करेंगे। ये समस्याएँ आती हैं। तो अगर आप ऐसे में लोन ले कर करते हो मुर्गी पालन, ठीक है, तो आपका यहाँ पर लोन आपको वापस कैसे भरोगे। मान लीजिए 1 साल के लिए आपने लोन लिया, ठीक है, आप लोन का जो ब्याज है, ठीक है, ब्याज वो आपको देना ही पड़ेगा, आपको वो भी पैसा देना पड़ेगा जो कि लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर लोन लेकर के शुरुआत में आप मुर्गी पालन करते हो तो आपका लॉस होगा और आप फंस जाओगे एक बुरी तरह से। इसलिए शुरुआत में आप लोन लेकर के बिल्कुल ही मत करिए। हाँ, लोन लेके तब कर सकते हो जब आपके पास, मान लीजिए आप 1 लाख का लोन लेना चाहते हो और 1 लाख रुपया आपके पास रखा हुआ है, तो आपके पास यदि 1 लाख रुपया रखा हुआ है और 1 लाख रुपया आप लेकर के मुर्गी पालन शुरू करते हो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सेफ रहोगे। कारण ये होता है कि अगर हम 1 लाख रुपया लगा करके मुर्गी पालन कर रहे हैं, हमारा लॉस भी हो रहा है, तो हमारे पास 1 लाख रुपया रखा हुआ है, वो हम ब्याज के तौर पर, जो भी लोन के तौर पर है, वो हमने वापस कर दिया है, ठीक है, तो आपको फ़ायदेमंद है। अगर आप सोचो कि हमारे पास बिल्कुल नहीं है और हम लोन ले करके मुर्गी पालन करेंगे तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। और जितना भी बड़ा फार्मर है, ठीक है, जितना भी बड़ा फार्मर है वो यही समझदारी दिखाता है, वो हमेशा जितना पैसा उसके पास होता है, जितना उसका लगा हुआ है, ठीक है, उसके पास उतना रखा हुआ है। अगर वो 10 लाख का उसका बिजनेस है या 10 लाख उसके पास रखा हुआ है तो 10 लाख का वो लोन लेकर के काम करेगा, क्योंकि वो अपने पैसों से नहीं करेगा, वो आपको लोन के पैसों से लेकर के बिजनेस करेगा, तो उसको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है वहाँ पर। और फिर वो शुरुआत में नहीं लेता है, जब वो लगातार करता रहता है और उसको अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है तब वो लोन लेकर के करता है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो। आप पहले तो शुरुआत में आप खुद अपने कम से कम पैसों में शुरू करिए, आपको परफेक्ट जानकारी हो जाए, थोड़ा बजट आपका बन जाए, उसके बाद में आप लोन ले लीजिए, फिर लोन का पैसा आप अपने बर्ड में लगाइए और आपका उसमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा। बट अगर शुरुआत में अभी सोच रहे हो कि हम लोन लें, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोन से आप मुर्गी पालन शुरुआत ना करें। आप अपने खुद के अनुभव से, खुद के पैसों से और खुद के एक्सपीरियंस से आप अपने मुर्गी पालन की शुरुआत करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। बट लोन के पैसों से करते हो तो आप पूरी तरह से फंस सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में थोड़ी बहुत बात आ गई होगी और बाकी अपने माइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।